Press the bell icon and never miss any updates from India Forums. People, this is Tanya Sharma और आज मैं इंडिया फोरम्स के साथ कुछ अलग करने वाली हूँ जो मैंने कभी नहीं किया. सो टुडे वी आर गोइंग टू डू अ फेस्टिव लुक. सो मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे सुंदर सुंदर बन के शादियों में लड़कों की दिलों को तोड़ना है. सो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे रेडी होंगी और पूरा अच्छे से रेडी होकर दिखाऊंगी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. मैं आपको बताना चाहूँगी कि सब लोगों का अलग अलग होता है स्टाइल मेकअप करने का. मैं ये नहीं बोलूँगी कि जो मैं कर रही हूँ वो बेस्ट है, लेकिन ये मेरे लिए बेस्ट है. तो ये मैंने सीख के सीखा है, ट्यूटोरियल्स है, फिर मेकअप डाला है, दादा है, उन सबसे सीखा है. तो फर्स्ट हम वाटर स्प्रे या गुलाब जल लेंगे और उसे स्प्रे करेंगे सो दैट आपकी स्किन क्लियर हो जाए. बिकॉज मेकअप ऑलरेडी ऑब्वियसली यू नो इट्स नॉट दैट गुड फॉर स्किन, लेकिन यू हैव टू लुक गुड तो आपको मेकअप यूज़ करना पड़ेगा. तो मैं पहले गुलाब जल डालूंगी, उसको थोड़ा रेस्ट करना पड़ता है एक दो मिनट के लिए ताकि वो निखूज जाए. ऑल्सो आप लोग मुझे अगली मी देख रहे हो, ऑल थैंक्स टू. आप कॉटन ले सकते हो, टिश्यू पेपर ले सकते हो और उसको क्लीन करने कर सकते. ये मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ तो इसलिए आप प्लीज़ मुझे जज मत कीजिएगा. But everything happens for the first time, so let's just do it. Okay, तो first step done. Makeup लगाने से पहले लोग primer लगाते हैं. Primer इसलिए use किया जाता है ताकि makeup आपके मुँह पे ज़्यादा देर तक रहे. बट मैं मेकअप से पहले प्राइमर प्रेफर नहीं करती हूँ, मैं सनस्क्रीन लगाती हूँ. आई नो अगर इंडोर शादी है तो ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन ये सनस्क्रीन प्लस मॉइस्चराइज़र है तो आपकी स्किन मॉइस्ट रहे, आपका जो मेकअप है वो चैप ना हो, तो इसलिए मैं थोड़ा मॉइस्चराइज़र लगाऊंगी. और ऑल्सो मॉइस्चराइज़र लगाने के इमिजिएटली बाद आप मेकअप नहीं शुरू कर सकते क्योंकि फिर मेकअप नहीं बैठने वाला आपके फेस पे. ओके, हमें एक दो मिनट रुकना पड़ेगा वरना मेरे फेस पे मेकअप नहीं सेटल होगा. एंड आफ्टर क्लियरिंग योर स्किन, आपने स्किन को गुलाब जल से क्लियर कर लिया है, आपने मॉइस्चराइज भी कर लिया है, तो अब टाइम है कंसील करने का आपके डार्क सर्कल्स का. मैं बहुत इनसिक्योर हूँ अपने डार्क सर्कल्स को लेके. आई ऑलवेज मेक श्योर कि मेरे डार्क सर्कल एकदम छुप जाए. ऑल्सो अगर आपके फेस पे पिंपल्स हो जो इस वक्त मेरे हैं, ब्यूटी स्पॉट्स, आप कंसीलर से आप छुपा सकते हो. मेरे पास ये डर्मा का ऑरेंज कलर का कंसीलर है. ये मुझे किसी मेकअप दादा ने बोला था कि यूजुअली बहुत सारे लिक्विड फाउंडेशन के कंसीलर्स आते हैं जो सेम ही कलर के होते हैं, लाइक योर स्किन कलर, बट ऑरेंज से ऑरेंज के ऊपर जब आप अपनी स्किन टोन का लगाओगे तो वो मिक्स हो जाता है और फिर आपके डार्क सर्कल्स कभी नहीं दिखते हैं. समथिंग द ऑरेंज वन, इसको ऐसे डार्क सर्कल्स के नीचे, मतलब आईज के नीचे लगाते हैं ताकि आपके अंडर आई स्मूथ लगे और गड्ढे ना लगे. अगेन पिंपल्स को छुपाने की दुआ. ओके, कंसील तो कर दिया, छुपा दिया है मैंने पिंपल्स को. अब इसको थोड़ा मिक्स करेंगे. आप किसी भी चीज़ से मिक्स कर सकते हैं उसे. मेरे पास स्पंज है, अगर स्पंज नहीं चाहिए तो बफर ब्रश भी है मेरे पास, तो आई विल यूज बफर ब्रश फॉर दिस. कंसील मैंने कर लिया है, अब मैं अपने स्किन टोन का बेस यूज़ करने वाली हूँ. दिस इज़ नॉट अ लिक्विड बेस, ये दिस इज़ नॉट अ लिक्विड फाउंडेशन. मैं क्रायलॉन का बेस स्टिक यूज़ करती हूँ क्योंकि ये ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है. बिकॉज वी आर एज एन एक्टर, हम लोग को 12 घंटे अपने मुँह पे फेस पे मेकअप रखना होता है, तो फॉर मी आई थिंक क्रायलॉन ईस्ट वेस्ट, क्रायलॉन इज द बेस्ट. आप अपने हिसाब से मैक भी यूज़ कर सकते हैं, मैक इज़ वेरी नाइस एंड मैनी ब्रांड्स आर देयर. जो भी आपको
अच्छा लगे आप यूज़ कर सकते हैं. बट सिंस हम लोग शादियों के बारे में बात कर रहे हैं और आपको पता है कि शादियों में कितना डांस करना पड़ता है, सो आई थिंक यू शुड यूज़ द बेस स्टिक, क्योंकि बाकी सारे जो फाउंडेशन है वो चले जाते हैं, स्वेट आउट हो जाते हैं. तो आई थिंक दिस इज़ गुड. इवनली आपको लगाना पड़ता है अपने पूरे फेस पे. तो मैं दूसरी स्टिक यूज़ कर रही हूँ, नॉट फॉर माई होल फेस, जस्ट फॉर द हाईलाइट्स. हाईलाइट्स हम नोज के ये जो आप देख रहे हैं ये पाथ, इसको हाईलाइट करते हैं, चिन को हाईलाइट करते हैं और अंडर आई को हाईलाइट करते हैं. दैट जितनी मुझे नॉलेज है मैं वही कर रही हूँ. सो मैंने आपने देखना कि मैंने ज़्यादा गोरा नहीं होना, मैंने सिर्फ हाईलाइट करना. जब मैंने अपने पूरे मुंह पर मेकअप लगा लिया है, अभी इसको मिक्स करने का टाइम आ गया है. पता नहीं कैसे चलेगा, जब भी मैं किसी को सिखाती हूँ या दिखाती हूँ ना तो इतना घटिया मेकअप होता है, मैं क्या बोलूँ. बट होपफुली क्रॉसिंग माई फिंगर आज अच्छा हो जाए कुछ. इवनली आपको पूरे फेस पे ये अच्छे से लगाना पड़ेगा, वरना आधा वाइट आधा ब्लैक आधा ब्राउन. और ये मैं मतलब ऐसे 10 घंटे नहीं लगते मेकअप करने में, ये मैं एकदम फास्ट एंड फास्ट फेस्टिव रेडी वाला बता रही हूँ. जो लड़कियाँ 2-2 घंटे लगाती हैं, आई एम वन ऑफ देम, हाफ एन आवर एंड वी डन. ऑल्सो ये जो बेस्टिक होती है आपको आईज के नीचे बिठाने के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा टैप करना पड़ेगा, वरना वो मर्ज नहीं होगा. तो मतलब मेरे जो मेकअप दादा है वो यहाँ पे ऐसे, आई लिटरली ऐसे से करती थी मैं मीरा के टाइम. तो उन्होंने मुझे ये ज़रूर दिखाया कि अगर आईज़ के नीचे आपका मेकअप फट रहा है तो आपको और बेस लेके उसको रगड़ना नहीं है, आपको वही वही जो बेस है उस पर थोड़ा पानी लगाना है और उसको डैप करते रहना. I think we're good to go with the base. और अब contouring करेंगे हम. और contouring के लिए contouring का दूसरा नाम cutting भी होता है. हमारी जो shooting language से cutting बोलते हैं और ऐसे sophisticated way में contouring बोलते हैं. So मैं अभी थोड़ा सा brown base लूँगी और अपनी नाक काटूँगी, वो वाली नाक नहीं, असली वाली नाक. तो आपको थोड़ा सा लेना पड़ता है बिकॉज ये बहुत ही ब्राउन हो जाता है. फिर इसका फ़ायदा भी मैं बताऊंगी, जिनकी नाक मोटी है वो पतली लगेगी, जिनकी नाक पतली है वो और पतली लगेगी. दैट्स इट. ओह, जिनके डबल चीक से वो सिंगल चीक लगेगी. ऐसे आपने लगा दी, जैसे वैसे तो बहुत ही लोग कटिंग करते हैं यहाँ पे भी. बट जैसे मैंने बोला कि मैं अपने फेस के हिसाब से कर रही हूँ, आप अपने फेस के हिसाब से भी कर सकते हैं. आप फोरहेड को थोड़ा छोटा करने के लिए यहाँ पे भी ब्राउन लगा सकते हैं. और मैंने यहाँ पे इसलिए ब्राउन लगाया है ताकि मेरे जो चीक्स और मेरी जॉ लाइन ज़्यादा उठ के आए, तो एंड माई फेस लुक्स पतलू. So that's a tip for everyone who doesn't know what cutting is. So aunties also should try this. मेरी जो mom है उन्होंने अभी अभी cutting चालू की, वो पूरा face brown कर लेती है. तो उन्हें बड़ी मुश्किल से बताना पड़ता है कि सिर्फ नाक करनी है और फिर cheeks करने हैं. Over excitement में आपको सब brown नहीं कर देना है, आपको जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे ही करना है. और जैसे ही आप अभी आप देख रहे होंगे, पहले मेरा पूरा फेस वाइट था, एकदम वाइट, बट नाउ व्हेन आई हैव डन कटिंग तो एकदम से डिफरेंट लुक आ जाता है. अगेन हाईलाइट, जो मैंने आपको बोला था कि मैं दूसरा फेयरनेस वाला यूज करता हूँ, उसको अगेन बीच में लगाना है. आई डोंट नो कितने सारे मुझे क्रिटिसाइज कर रहे होंगे इस बार.
लेकिन दिस इज हाउ डू आई मेकअप. ओके, तो ये मेरा आई शैडो पैलेट है. नॉट दैट ग्रेट बट गुड टू गो फॉर द फेस्टिव सीजन वाला. यू कैन सी यहाँ पे बहुत सारे शिमरी वाले आई शैडो है. आई डोंट नो विच वन टू यूज़ बट आज हम कुछ रेड पहनने वाले हैं. सो आई थिंक रेड कॉपर गोल्डन ट्राई करते हैं. डोंट नो. मैं अल्ट्रा सिंपल दिखाने वाली हूँ. अल्ट्रा सिंपल जो बिल्कुल टाइम नहीं लेते हैं. I will still look good. ऑल्सो मैं आपको बताना चाहूँगी कि लोग बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करते हैं जब भी कोई शादी में जाते हैं बिकॉज ऑब्वियसली उनको अपना बेस्ट दिखना है. मुझे भी अपना बेस्ट दिखना है आज. लेकिन मैं ज़्यादा ओवरडू करने में मानती नहीं हूँ. ये जो तीन तीन आई शेडो मिक्स करके लगाते हैं ये मुझसे नहीं होता. मैं बस एक प्लेन आई शेडो लगाती हूँ और ब्रैकेट बनाने के लिए एक दूसरा सिंपल सा यूज़ करती हूँ. पहले मैं पूरा स्प्रेड करूंगी और मैं दूसरी आई लगाऊंगी. मुझे ब्लॉगर ना बना दे लोग. इंडिया फॉरेंस उसके लिए जिम्मेदार होगा. ओके, हमने ये तो कर लिया है. अब जैसे मैंने आपको बोला कि मैंने एक शिमरी सा आई शेडो यूज़ किया है. अब मैं उसको ब्रैकेट, अब यू नो व्हाट इज़ इट कॉल्ड, बट मैं तो ब्रैकेट ही बुलाती हूँ उसको, शेप में लाने के लिए. यू नो आईज़ अच्छी लगती हैं सुंदर शेप से. अब यू नो व्हाट इज़ इट कॉल्ड. अब मैं मेकअप तो करती नहीं हूँ ज़्यादा, मतलब छोटा मोटा. जैसे मैंने बोला कि मैं इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ. मुझे अभी याद आया, आई शेडो लगाने से पहले आपको थोड़ा सा पाउडर अपने आईज़ के नीचे रखना पड़ता है ताकि वो सेटल हो जाए. और जो भी आई शेडो आप लगाओ और जो भी ड्रॉप होए वो बाद में हम लोग ब्रश अप कर सकते हैं. सो सॉरी गाइज, आई शेडो लगाने से पहले आपको आईज़ के नीचे इतना पाउडर लगाना पड़ता है क्योंकि एक तो आई शेडो भी पाउडर होता है और वो गिरेगा, और प्लस आपने जो बेस लगाया है तब तक जब आप आई शेडो कम्प्लीट करेंगे तब तक वो सेटल हो जाएगा. एंड देन यू कैन लुक फ्लॉलेस. वी विल कंटिन्यू विद द ब्राउन ब्रैकेट. आई शेडो डन. अब इसको शेप में लाने के लिए आपको फिर से अपना स्पंज लेना पड़ेगा और जो भी बाहर निकला हुआ आई शेडो उसको ठीक करना पड़ेगा. रेडी, आई शेडो इज रेडी. आईब्रोज आई थिंक सबको करनी आती है. मेरी मम्मी पेंसिल यूज़ करती हैं बट आजकल यू हमें ये पाउडर मिलता है, ब्राउन और लाइट ब्राउन और ब्लैक और डार्क ब्लैक, ये सारी चीज़ें मिलती है. सो यू कैन यूज़ दैट और अपनी आईब्रोज को आप फिल कर सकते हैं एक एंगुलर ब्रश के साथ. इट कम्स लाइक दिस. एंड ऑब्वियसली आपकी आईब्रोज में जो कलर मिक्स, जो ज़्यादा कलर है वो ही आप करेंगे. ब्लैक है तो ब्लैक, डार्क ब्राउन है तो डार्क ब्राउन, व्हाटएवर सूट्स योर. अब इतनी बेसिक तो जो लड़कियां सजती हैं उनको तो आता ही है. अब मैं लाइनर लगाने वाली हूँ. मेरे पास मिस क्लेयर का है, इट्स अ केक लाइनर. आप कोई भी लाइनर यूज़ कर सकते हैं. यू कैन यूज़ अ लिक्विड लाइनर, यू कैन यूज़ अ जेल लाइनर, बट मैं केक लाइनर यूज़ करती हूँ बिकॉज सूटिंग इट स्टेज. मैं सब लॉन्ग लास्टिंग वाली चीज़ें आपको बता रही हूँ क्योंकि हम 12-12 घंटे शूट करते हैं, उससे भी ज़्यादा. मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी. आई नो आई एम टॉकिंग टू मच बट आई एम सपोज टू, राइट?
पिछले 1.5 साल से मैंने कभी भी किसी को अपना लाइनर लगाने नहीं दिया है, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट तीन साल से शो कर रही थी साथ नहीं बना साथिया, और मेरे जो मेकअप दादा हैं वो घूमते रहते थे, वो जाते रहते थे, तो मैंने एक दिन डिसाइड कर लिया कि हर रोज़ नए आते तो एक कोई मोटा लगा था, एक कोई पतला लगा था, तो मैंने डिसाइड कर लिया मैं सीखूंगी। और फिर मैंने तब से लेके आज तक ऑलमोस्ट 2 साल होने आए, मैंने कभी भी किसी को अपना लाइनर लगाने नहीं दिया। सो अगर आप सोचते हैं कि मेरा लाइनर ऑन फ्लिक होता है शो में, तो वो मेरा। मैं यहाँ विंग लाइनर लगा रही हूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू लुक लाइक अ डियर। बड़ी आंखें लगती हैं। आप अपने हिसाब से लाइनर लगा सकते हैं, लेकिन आप शादी के लिए जा रहे हैं तो आई सजेस्ट कि आप थोड़ा सा थिक लाइनर लगाइए, थोड़ा सा, नॉट ज़्यादा थिन, क्योंकि वो विजिबल नहीं होगा, क्योंकि शादियों में आंटियाँ इतनी सच के आती है, अगर आप अच्छे से सच के नहीं जाएंगे तो आप फीके पड़ जाएंगे। लाइनर सेम होने की खुशी। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए मेरे पास ये इक्विपमेंट है, दिस इज़ कॉल्ड अ कर्लर। ये कर्लर है, ये अपने आपके आईलैशेस को एकदम शेप में रखता है। अगर आपके पास नहीं है तो चलेगा, आप इससे भी, आई थिंक ये सबके पास होता है, ये आईब्रोज के लिए है, बट आप इसको अपने लैशेस के लिए भी कर सकते हैं यूज़, मल्टी यूज़ करते हैं, बट आई यूज़ दिस। आई थिंक ये बहुत ईजीली अवेलेबल है मार्केट में, हर किसी के पास रहता है, यूज़ करना आता नहीं है लेकिन मेकअप में किट में रहता है, तो मैंने जैसे कर्ल कर लिया है। नाउ आई एम गोइंग टू यूज़ मस्कारा, ये मेरा नया फेवरेट मस्कारा है, इससे लैशेस बड़ी लंबी हो जाती हैं। आप कोई भी मस्कारा यूज़ कर सकते हैं, योर विश, योर मर्जी, लेकिन मस्कारा यूज़ करना प्लीज़। मुझे लगता है कि अगर लाइनर ना लगाओ तो चलेगा, लेकिन मस्कारा इज़ अ मस्ट, क्योंकि आपकी वो लैशेस को इतना सुंदर बना देता है, और आप सुंदर 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 दिखते हो। फाइनली मेरा आय का सब हो चुक, नहीं आय का सब नहीं हुआ है, मैंने हाइलाइटर नहीं लगाया है, आईज का भी हाइलाइटर लगाना पड़ता है हमें, तो मैं ये वाला कलर ले रही हूँ, इट्स स्लाइटली ऑन गोल्डनिश वाइटिश साइड। आप गोल्डन भी यूज़ कर सकते हैं, वट एवर आपकी कोई भी जो भी कॉस्ट्यूम है, जो ज़्यादा हैवी कॉस्ट्यूम है तो आप गोल्डन भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं ये यूज कर रही हूँ। ब्लिंगी। अब ये जो आपका पाउडर है वो आपको निकालना है, सो यू जस्ट ब्रश इट ऑफ। अब थोड़ा और पाउडर लेना पड़ेगा हमें, और पूरे फेस पे ऑब्वियसली आईज को छोड़ के पाउडर लगाना पड़ेगा। एंड वेरी इंपॉर्टेंट टिप, कभी भी सिर्फ फेस नहीं करना है मेकअप, यू हैव टू डू द नेक, क्योंकि कोई भी ड्रेस यहाँ तक तो नहीं होगी, अनलेस ऑब्वियसली एक्सेप्शन ज़्यादा है, लेकिन आप हमेशा याद रखना जो बेस आप अपने फेस पे लगा रहे हो नेक पे लगाना ही लगाना, वरना आप भूत लगोगे पिक्चर्स में। यू गेट दैट? ओके, तो मैंने पाउडर लगा लिया है, एंड नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई ब्लश। ब्लश तो सबको ही पता है मैं क्या बोलूँ, मैं यूजली पीच या थोड़ा लाइट ब्राउन यूज़ करती हूँ, क्योंकि हम बेस यूज़ करते हैं थोड़ा स्किन टोन का एंड एवरीथिंग, बट मुझे ज़्यादातर लाइक पिंक ऑल्सो गोज, आप पिंक भी यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास पिंक भी है, आप पिंक यूज़ कर सकते हैं, बट आई प्रेफर दिस, लेकिन फेस्टिवल सीजन है तो हम दोनों मिक्स करके करेंगे। फिश पीस इज कॉल्ड फिश। और ये जो चीक बोन है, सिर्फ चीक बोन में लगाते हैं, ये अगेन मुझे एक मेकअप दादा ने सोचा है।
दैट्स इट गाइस, ब्लश ऑन हो गया. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम शिमर यूज़ करेंगे थोड़ा, अगेन हाइलाइटिंग चीक बोन. चीक बोन के लिए क्या क्या करना पड़ता है? शाइनी ब्लिंगी. अब फेस्टिवल सीजन है, फेस्टिव सीजन है, शादियों में जाना है तो थोड़ा तो ब्लिंगी बनना पड़ता है. क्योंकि देखो वैसे भी जो दूल्हा दुल्हन है वो तो इतने ब्लिंगी होते ही है, तो आप वैसे भी उनको मैचअप नहीं कर सकते. बट देन यू हैव टू मैचअप द आंटीज. ओके, आई हैव एन ऑप्शन फॉर यू ऑल. जिनको ज़्यादा ज़्यादा ही ओवरडू करना है, आइटम बन के जाना है, उनके उनके पास देखो, जिनको मेकअप करने का शौक़ होता है उनके पास ये सारी चीज़ें तो होती हैं. यस, मुझे मेकअप करने का शौक़ है, ऑल्सो आई एम एन एक्टर. तो ये मेरे पास आई डोंट नो व्हाट इज कॉल्ड, बट मैंने ये लंदन से लिया था. ये यहाँ पे भी अवेलेबल है, मैंने यहाँ पे देखा है. ये ग्लिटर है, बट बहुत ही चिपकू ग्लिटर है. इसको एक बार मैंने लगा लिया तो ये नहीं निकलने वाला, बट आई कैन शो यू दैट ये ग्लिटर है. और इसको आप आइस के ऊपर लगाते हैं, तो मैं सॉरी आपको दिखा नहीं पाऊँगी, लेकिन यू कैन सी दिस, ये आइस के ऊपर बहुत ही अच्छा दिखता है. एंड या इट विल गिव यू अ न्यू लुक. देखा, गिर भी गया, अभी चिपकू ये निकलेगा भी नहीं. सो या, आई शैडो डन, आई लाइनर डन, बेस डन, कॉन्ट्रिंग डन, ब्लश ऑन डन, शिमर डन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लिपस्टिक. सिंस मैंने बोला कि मेरी ड्रेस रेड है, सो आई थिंक आई एम गोइंग विद रेड. आप अपनी ड्रेस के हिसाब से कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं. यूजली वट आई फील, अगर आपका आप अनारकली पहन रहे हैं, बहुत हैवी अनारकली पहन रहे हैं, सो यू शुड गो विद न्यूड. न्यूड लिप्स, आई थिंक न्यूड लिप्स बहुत ही अच्छे लगते हैं, या लाइट ऑरेंजिश. बट मेरी जो मूड है आज थोड़ी डिफरेंट है, तो पिंक भी यूज़ कर सकते हैं आप, डिपेंड्स ऑन योर ड्रेस. तो पहले मैं लगाऊंगी लिप बाम. मेरे होंठ वैसे भी फट रहे हैं, देख, बट ठीक है. देखो, आपको मैट लिपस्टिक लगानी है या ग्लॉसी लिपस्टिक लगानी है, यू शुड अप्लाई अ लिप बाम. क्योंकि इतने देर तक लिपस्टिक रहने की वजह से आपके लिप्स ड्राई हो सकते हैं. नाउ आई एम जस्ट आउटलाइनिंग. गुड टू गो. और जो एक्स्ट्रा लिपस्टिक है वो मैं अभी की अभी. और अगर आपको मैट करना है तो ये छोटी सी ट्रिक है, आई थिंक एवरी ऑल द गर्ल्स नो. अगर आपको कोई भी ग्लॉसी लिपस्टिक मैट करनी हो तो आप थोड़ा सा पाउडर लीजिए. सरप्राइज. चलो तो फटाफट ड्रेस पहनते हैं और आपको पूरा लुक दिखाते रहे. चिराओ. So this is my shadi dress. Finally, 45 minutes ki mehnat. Unpressed. No, nahi. Dress. ओके यस, सो गाइज आई एम शादी रेडी, फेस्टिव रेडी. मेरी शादी नहीं, दूसरों की शादी में जाने के लिए. और जैसे आप देख रहे हो कि मैंने ये केप वाला जॉइन सा लहंगा सा इंडो वेस्टर्न सा ड्रेस पहना है. आप अपनी कोई भी ड्रेस के साथ ये अच्छा सा फेस्टिव मेकअप पेयरअप कर सकते हैं एंड यू आर गुड टू गो. सो गाइज या दिस इज़ मी फेस्टिव रेडी. एंड आई होप कि आप लोगों को भी मेरा मेकअप करने का स्टाइल अच्छा लगा हो, ईजी लगा हो. सो आई होप आप लोग भी ट्राई कीजिए और सुंदर 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 लड़की बन जाइए. थैंक यू. हेलो पीपल, दिस इज तान्या शर्मा एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन इंडिया फोरम्स. लाइक एंड सब्सक्राइब.
आशिमा चावला कैमरा पर्सन मंगेश इंडिया फोरम्स मुंबई.